नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्तन धोने का साबुन बनाने का तरीका, वह भी बिना एसी डिसलरी के। चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन घंटी दबा दे, जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच सके। देखिए, यह होता है एसी डिसलरी, यह बर्तन धोने का साबुन हो गया, डिटर्जेंट पाउडर हो गया, बिना इसके बन नहीं सकता है। लेकिन हम इस वीडियो में ऐसा साबुन बनाएंगे जो रॉ मटेरियल आपके मार्केट में आसपास में मिल जाएगा। एसी डिसलरी होता है तो यह आपको केमिकल शॉप पर ही मिलेगा, आपके लोकल मार्केट में नहीं मिलेगा, यह आपके शहर के मार्केट में केमिकल शॉप पर ही मिलेगा। लेकिन इस वीडियो में हम जो साबुन बनाएंगे वो आपके लोकल मार्केट में रॉ मटेरियल मिल जाएगा। यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जैसे देखिए, बहुत से लोग होंगे जो वीडियो देखते हैं साबुन बनाने का, डिटर्जेंट पाउडर बनाने का, हैंड वॉश बनाने का, तो उनके मन में होता है कि रॉ मटेरियल होता तो मैं भी घर पर बनाता, लेकिन उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है। हो सकता है वो किसी गांव से हो, या हो सकता है उनके शहर में ही हो, शहर से ही हो, लेकिन उनके शहर में केमिकल शॉप न हो, आ हो भी तो उनको न पता हो केमिकल। उनको सब बात मिला जुला कर रही है कि उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है, इसलिए वह सोचते रहते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन वह घर पर बना नहीं सकते। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिसमें आपको एसी डिसलरी, एसेलियस, डोलोमाइट, कोई भी केमिकल का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इसमें जो रॉ मटेरियल है वो आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगा। देखिए, पहला रॉ मटेरियल है चूना। चूना तो आपके लोकल मार्केट में ही मिल जाएगा बहुत आसानी से। दूसरा है नमक। नमक भी आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगा, नमक तो हर घर की ज़रूरत है, आपके घर पर ही होगा। तीसरा है बेसन, चने का बेसन, यह भी आपके घर पर मिल जाएगा, क्योंकि बेसन भी घर पर ही रहता है, नहीं तो आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगा। उसके बाद हो गया मीठा सोडा। मीठा सोडा भी आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगा। मैं जितना यह सामान बता रहा हूँ चूना को छोड़कर, यह सब किराने की दुकान पर मिल जाएगा। चूना आपके जो हार्डवेयर का दुकान होता है, जहाँ पर हार्डवेयर का सामान बिकता है, जैसे चूना हो गया, नल का सामान हो गया, टंकी हो गया, वो सब हार्डवेयर के दुकान पर ही आपको चूना मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको वाटर ले लेना है, बस। चूना आपको ले लेना है 100 ग्राम, नमक ले लेना है 100 ग्राम, बेसन ले लेना है 100 ग्राम, मीठा सोडा आपको चाहिए 200 ग्राम। अब देखिए, इसमें हम बेसन का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेसन में हल्का झाग बनाने की क्षमता होता है। जैसे कास्टिक सोडा और बेसन से अगर हम साबुन बना लेते हैं और उसमें डालडा डाल देते हैं, डालडा, कास्टिक सोडा और बेसन, तो उससे साबुन बन जाता है, नहाने का, हाथ धोने का, कपड़ा धोने का, और उसमें झाग भी बनता है। तो उसी तरीके से हम इसमें बेसन यूज करेंगे जिससे यह हमारा झाग बनाए। उतना बहुत ज़्यादा झाग नहीं बनेगा, लेकिन यह है थोड़ा झाग तो जरूर बनाएगा। चूना यूज कर रहे हैं, चूना से आप, मैंने पहले बहुत वीडियो में बताया है, पिछले वीडियो में, चूना एक घर्षण का काम करता है। जैसे आप बर्तन पर जब इस साबुन से धोएंगे तो उसमें घर्षण पैदा होगा, तो उसमें छोड़े जो भी लगा होगा, आयल होगा, कुछ भी होगा, तेल होगा, मसाला होगा, छूट जाएगा। नमक सफाई क्षमता इसमें है, और मीठा सोडा इसमें भी सफाई क्षमता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ले लेंगे 200 ग्राम वाटर। आप वाटर 200 ग्राम डालिए, अगर आपको कम लगता है तो आप बाद में इसमें वाटर डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद आपको डाल देना है 100 ग्राम नमक। ये आपको एक बार ध्यान रखना है, आपको पहले वाटर ले लेना है, उसके बाद आप दूसरा रॉ मटेरियल उसमें आपको नमक ही डालना है। पहले आप मीठा सोडा मत डाल दीजिएगा, पहले आपको नमक ही डालना है, नमक, ठीक। और उसके बाद दूसरा रॉ मटेरियल आपको डालना है इसमें मीठा सोडा। आप अगर पहले मीठा सोडा डाल देंगे तो आपका मीठा सोडा खराब हो जाएगा, इसलिए इसे आपको नमक के पानी में ही डालना है।
समझ में आ गया। पहले आपको नमक ले लेना है, नमक के पानी में ही आपको दूसरा रॉ मटेरियल मीठा सोडा डालना है। पहले आपको वाटर ले लेना है 200 ग्राम, उसमें आपको 100 ग्राम नमक डाल देना है, और नमक के बाद आपको उसमें सोडा डालना है मीठा सोडा, और उसके बाद आपको डाल देना है इसमें चूना। चूना से फायदा और होगा, चूना और बेसन जब मिलेगा आपस में तो वह एक साबुन का आकार देने में मदद करेगा, वह जमेगा। और उसके बाद आपको डाल देना है बेसन। ठीक, आप इसे जब 5 मिनट फेटेंगे तो यह देखिए ऐसा आपका एक कड़ा पेस्ट बन जाएगा। अगर आपका कड़ा पेस्ट नहीं बना है, अगर बहुत ज़्यादा ढीला हो गया है, तो आप इसमें बेसन थोड़ा और डाल सकते हैं, और अगर आपका ज़्यादा सूखा हो गया है तो आप इसमें वाटर और डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। यह आपका बन गया। अब आपको जिस भी सांचे में साबुन बनाना है उस सांचे में आपको यह पेस्ट ले लेना है। देखिए पेस्ट आपका इतना ही गाढ़ा चाहिए, इससे हल्का नहीं, और यह थोड़ा गर्म रहेगा। देखिए बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो आप इसे गर्म में ही आप इसे तुरंत आप जमा लेंगे, सांचे में आप डाल देंगे, इसमें आपको टाइम नहीं देना है। यह आप फेंट लिए, फेंटने के बाद में आप इसे तत्काल में ही इसे आपको जिस भी सांचे में जमाना है उस सांचे में आप इसे डाल देंगे। अब देखिए आपका साबुन बनकर तैयार हो गया। इसे आप थोड़ा दबा लेंगे। अब देखिए जब ये सूखेगा तो आपका इस टाइप का साबुन बनकर तैयार हो जाएगा, और यह कड़ा भी हो जाएगा। जैसे यह कड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें चूना और बेसन पड़ा है, आप लोगों ने देखा होगा। अगर बेसन का कुछ भी बनता है तो जिस बर्तन में बेसन घोला जाता है वह थोड़े समय में वह बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाता है, तो इस वजह से यह पूरा कड़ा हो जाएगा। एक दिन के लिए आपको इसे रखना होगा, एक दिन के बाद यह साबुन आपका कड़ा हो जाएगा। अभी यह बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप इसे एक दिन के लिए जब रखेंगे तो यह आपका कड़ा हो जाएगा, उसके बाद आप इससे बर्तन आसानी से धो सकते हैं। यह एक दिन आपको रखना होगा, एक दिन के बाद यह ऑटोमेटिक कड़ा हो जाएगा। तो आप लोग अगर यह साबुन बनाना चाहते हैं तो घर पर बनाइए, आपको इसके लिए बाहर कोई भी रॉ मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके सब लोकल ही मार्केट में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर बनाइएगा। और कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुँच सके, और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों में। ठीक, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।